काना की नगरी में ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी ने एक बार फिर अपनी भक्ति से सबको मदहोश कर दिया। सांसद के भजन सुन राधा कृष्ण मंदिर भक्ति में झूम उठा। सांसद हेमा मालिनी की कृष्ण भक्ति ने एक बार फिर सबको मंत्रमुग्ध कर दिया। फिल्मों में अपनी कलाकारी के बाद राजनीति में सफलता हासिल करने वाली ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी ने वृंदावन के राधा रमण मंदिर में भगवान श्री कृष्ण के भजन गाए। राधा कृष्ण की भक्ति में मग्न जब हेमा मालिनी ने भजन गाए तो उन्हें सुनकर न केवल देसी बल्कि विदेशी भक्त भी पूरी भक्ति से सराबोर हो उठे। जब सांसद हेमा मालिनी ने शिक्षाष्टकम के द्वारा भी अपनी मधुर वाणी का स्वर लोगों के सामने रखा तो पूरे मंदिर में तालियां बज उठी और राधा कृष्ण के जयकारों से पूरा मंदिर गुंजायमान हो उठा। हेमा मालिनी ने बताया कि अभी तक उन्होंने नृत्य के द्वारा तो भगवान की भक्ति की है, लेकिन आज जो भजन गायन किया है वो राधा रमण जी के आशीर्वाद से ही हुआ है। राधा रमण मंदिर में नृत्य किया और आज गाना भी गाने का अवसर मिला और वो भी शिष्टाष्टकम और कुछ भजन हमने गाए तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। बहुत बहुत राधा रमण मंदिर के सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। बीजेपी नेता नूपुर शर्मा को इतनी धमकियां मिली कि वो अब तक डरकर और छिपकर रह रही हैं। डर ऐसा कि वो मोबाइल स्विच ऑफ करके रखती हैं, लेकिन जिहादियों के वार से अब नूपुर शर्मा ने दुर्गा अवतार ले लिया।